चत्ते। और कोई गंगे मैया की जय। रुक जाओ भाई, वर्ल्ड गंगे मैया की। अबे भाई ठीक है, चिली मिली धूम धड़ाका। दर्शन करके जीना चढ़ने के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत पैर दर्द दे रहा था। क्या मन कर रहा था जब जीना चढ़ रहे थे? हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, स्वागत है हमारे न्यू वीडियो पे। तो आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य में स्थित ऋषिकेश की। और ऋषिकेश हमारा बहुत फेमस है, ये ऋषिकेश का दूसरा नाम योग नगरी भी है, इसे लोग योग नगरी ऋषिकेश भी कहते हैं। और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग बहुत फेमस है, हम लोग भी रिवर राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर गए हुए हैं। हम लोग के ग्रुप में कुल 6 लोग हैं, 5 लड़के एक लड़की, वो भी हमारी बहन है। और ऋषिकेश आने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन आना होगा। और तो दोस्तों हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके हैं, और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर उतर कर हम लोग जा रहे हैं सरकारी बस स्टैंड। और यहाँ पर सरकारी बस पकड़ कर हम लोग जाएंगे ऋषिकेश। और ऋषिकेश में सबसे पहले हम लोग अपना होटल लेंगे, और होटल लेकर फिर हम लोग वहाँ पर अपना रिवर राफ्टिंग के लिए अपनी बुकिंग करेंगे, और फिर जैसा भी होगा मैं आपको आगे बताऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग ऋषिकेश बस स्टैंड पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं अपनी रिवर राफ्टिंग के लिए बुकिंग करने। और यहाँ पर आप 12 किलोमीटर की अगर रिवर राफ्टिंग करते हैं तो आपसे 500 रुपये चार्ज करेंगे, और 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग करते हैं तो 600 रुपये चार्ज करेंगे, अगर 9 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग करते हैं तो 400 रुपये चार्ज करेंगे। यहाँ का चार्ज फिक्स है, और जहाँ से आपको ऑफिस होगा यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का, यहीं से आपको पूरा रिसीव करके ले जाएंगे ये लोग। ये हमारा भाई है रंजो भाई, ये हमारा पूरा ग्रुप है, सारे लोग हैं गाइस। फर्स्ट टाइम ये हमारी रैकेट नाव देख सकते हैं। ये बहुत डरी हुई है लड़की, हमारी बहन, ये बहुत ज्यादा डरी हुई है, और सबसे ज्यादा डरा हुआ ये मैं बचाने वाला, मैं सबको मसीहा जो कि ये जो डूबेंगे तो मैं बचाऊंगा सबको। इस वजह से हम लोग अभी जा रहे हैं मैगी खाने, थोड़ी देर हम लोग और उसी मैगी खाएंगे, और फिर हम लोग को 3:30 बजे की टाइमिंग दी गई है, 3:30 बजे फिर हम लोग के पास फोन आएगा, फिर हम लोग जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। सब मायूस चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कितने पूरी तरह से डरे हुए हैं ये लोग। ये देखिए अपना डर छुपाने के लिए अपनी फोटो खींच रहे हैं ये। मैं डरता नहीं हूं। ये रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं ये लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग रिवर राफ्टिंग करके वापस आ रहे हैं, और हम लोग इन लोगों से मिलते हैं और पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, डर कितना लगता है, कैसे क्या रिस्क रहता है, कैसा क्या रहता है सीन, जैसा भी होगा हम लोग इनसे पूछताछ करते हैं। भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई गिरे गिरे कि नहीं आप? मैं कितने से ही अपना आप ये पैंडल मार के लाने पड़ा, कोई फायदा नहीं अपने हलम तो बहुत बड़े चूते पर किया है। मजेदार दिन है। कितने किलोमीटर का से किया था? कितने लंबे जाओगे अपना अभी पैंडल मारने पड़ेंगे तना, क्या फायदा है हम लोग लंबे जाए। कितना लंबा टूर किया था भैया? 16 किलोमीटर। कितने बार गिरे थे? हाँ रैपिड नहीं था क्या ज्यादा? आगे था तो पैडल अपना ही मारना पड़ता है। वीडियो वीडियो की नहीं। हां वीडियो कितना दिया? एक लोग का पूरे पूरे ग्रुप का नहीं, चार लोग अलग हैं, चार लोग अलग। अच्छा 2000 रुपये। अच्छा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा तो बहुत बढ़िया लगा। हां गिरे गिरे नहीं आप लोग पानी के अंदर? नहीं गिरे पानी के अंदर? क्यों गिरे नहीं? क्या गिरे ही नहीं। अच्छा इसके पहले आप लोग एक बार कर चुके हैं क्या? चार टाइम गिरे हम खुद अपने आप। अच्छा अपने आप खुद? अच्छा अच्छा डर लगता है? डर तो जरूरी है, डर के बिना तो चलने की भी नहीं बात है। सब अपने मन से? अच्छा जैसे कूदता तो आदमी डूबता तो नहीं है? ये है ना वो रैपिड है, वो कूदाएंगे ना? कूदाएंगे, ये डूबने नहीं देते भैया। तो गाइस आप पहली बार रिवर राफ्टिंग करने जा रहे हैं आप, रंजो भाई हमारे, तो कैसा फील हो रहा है आपको? वो बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमको डर एकदम नहीं लग रहा है। हाँ हम बात कर चुके हैं पहले ही। अच्छा लेकिन अंदर से तो पहली बार का डर तो हो गई है आपको? बहुत डर था। अच्छा वो जो डर था वो खत्म हो चुकी है। अच्छा फिर भी आई विल ट्राई। तो आप क्या सोच कर आए हैं रिवर राफ्टिंग करने के लिए? रिवर राफ्टिंग बस सपना था, उम्मीद पूरा होने की। अच्छा अच्छा डर था। हाँ खत्म करना। कहाँ से आए हैं आप? मैं कोलकाता से आया हूँ, वेस्ट बंगाल। अच्छा कोलकाता वेस्ट बंगाल से। अच्छा ये हमारे ऋषि जी हैं जो हमारे ग्रुप में आए हुए हैं। ये हम लोग दियात से, ये जहानाबाद फतेहपुर के रहने वाले हैं, और ये एक ऋषि क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा तो आप क्या कहना चाहेंगे रिवर राफ्टिंग के बारे में, क्या सोच रहा है, कैसा लग रहा है? माउंटेन ड्यू कोल्डिंग पिए। डर के आगे जीते, माउंटेन ड्यू कोल्डिंग पिए। अच्छा ओके
और बताएं डर कैसा लग रहा है आपको? डर तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि आप लोगों ने बताया कि मैंने काफी लोगों से बात किया है कि अच्छा। जो आपको ड्रेस मिलेगी वो आपको डूब में नहीं देगी। अच्छा, आपने अच्छा। बताया कि आपको यहीं तक ही रखेगी। हाँ। तो सबसे अच्छी बात है कि डर आपको नहीं लगा। अच्छा, शिवम जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि डर तो पहले लग रहा था, मगर जैसे मैंने स्टिंग कोल्ड ड्रिंक पी अभी तो मुझे अंदर एनर्जी आ गई है, तो मुझे रैपिड चलाने में एनर्जी मिलेगी तो मुझे डर नहीं लग रहा। अच्छा, दिखने लगा डर कैसा लग रहा है? डर नहीं लगी ना, स्टिंग कोल्ड ड्रिंक उससे पहले कैसा लगा? स्टिंग कोल्ड ड्रिंक पहले देखने में डर लगा था कि नौ पड़ जाते हैं रेसिपी जो है ना। हमारे पूरे ग्रुप में इकलौती हमारी बहन आई है, कैसा लग रहा है आपको पहली बार रिवर राफ्टिंग करने में? धूप धूप में आई है, हमको बहुत डर लग रहा है। वेरी गुड, थैंक यू। और कैसा फील होगा आपको यहाँ पर करने का? मन कर रहा है करने का, अच्छा तो लगेगा मगर डर है। डर है? अच्छा, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू। पहली बार रिवर राफ्टिंग करने आया हूँ तो मुझे डर बहुत ज्यादा लग रहा है अंदर से कि मैं, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। ये हमारा पूरा ग्रुप है, आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको एक एक करके सबसे मिलवाया है। ये देखिए, मैं आपको अपना रिव्यू रिवर राफ्टिंग के बाद दूंगा क्योंकि फोन ले जाना वहाँ अलाउ नहीं है और हम लोग वीडियो बना नहीं सकते। कुछ करेंगे, GoPro से वीडियो ले पाए अगर उनसे तो फिर जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगा। जब आप रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाएंगे तब आपको ये लोग लाइफ जैकेट देंगे और पैडल देंगे, और जहाँ इनका ऑफिस होगा वहाँ से आपको रिसीव करके पॉइंट पर ले जाएंगे जहाँ पे राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ब्रह्मपुर से राफ्टिंग स्टार्ट करी थी और इसी केस के बस स्टैंड के पास ही हम लोगों ने अपना होटल लिया हुआ था। हम लोगों ने दो रूम लिए हुए थे 5 बेड वाले, तो हम लोग को 2000 रुपये का रूम मिला हुआ था। खाने पीने की व्यवस्था वहीं पर बहुत अच्छी रहने वाली है, 60 रुपये 120 रुपये में आपको थाली भरपेट मिलने वाली है, बहुत अच्छी व्यवस्था रहने वाली खाने पीने की। ये हमारी टीम मेंबर बहुत डरी हुई है, अभी करण भी डर रहे हो भैया, देखिए झूठी हंसी हंस रहे, शिवम देखिए मुंह सूख रहा है, ये सबसे ज्यादा डरा हुआ है। मैं कभी डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। आइए, हम लोग का ये पूरा ड्रेस है आप देख सकते हैं, लुक एट। कौन के पिताजी? नाम मेरा करण पड़े। बहुत ही डर लग रहा है हम लोगों को। माउंटेन ड्यू पियो, माउंटेन ड्यू गला सूख रहा है। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हम लोग ब्रह्मपुरी अपने रिवर राफ्टिंग के पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोग को गाइड किया जाएगा और अपनी बोट पर बैठा के यहां से हम लोग को राफ्टिंग कराई जाएगी। यह राफ्टिंग हम लोगों की 12 किलोमीटर की है जो हम लोग को 500 रुपये पर पर्सन पर पड़ी हुई है। यहां पर अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप अपने पायलट से बोलिएगा, वो आपको वीडियो बना कर देगा। वो पर पर्सन चार्ज करते हैं 500 रुपये। ड्रेस पहनने के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? डर कितना लग रहा है? डर तो लग ही रहा है। और शिवम जी कैसा फील हो रहा है? स्टिंग भी क्या है। कशिश जी कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही है कशिश जी। ऋषि आपको कैसा फील हो रहा है? करण कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। सभी जाओ ना, मैं पैडल लॉक करो, जाओ पैडल लॉक करो, जाओ पैडल बता दो, कैसे लॉक करो? देखो इधर देखो, पैडल ऐसे फर्स्ट नंबर पे ऐसे लॉक करो फटाफट, सब सब रस्सी पकड़ के जाना, जाओ भैया दोनों पैर बाहर, देखो पैडल ऐसे लॉक करो, दोनों पाँव पानी की तरह बाहर निकालो, एक हाथ से रोप पकड़ो और घूमते हुए सीधा पानी के अंदर, ठीक है? मैं जाने सीधा नहीं, रस्सी नहीं छोड़ना, भाई जाओ 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 भाई जाओ, देखो भाई देखो, बोलो गंगे मैया की, हर 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 हर, भाई दोनों हाथ ऐसे कर सीधे, मैम इधर देखो इधर, हर हर महादेव।
तो बहुत तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, अगर आप वीडियो नहीं बनवाएंगे तो आपको ये एक्टिविटी नहीं कराएंगे ये लोग पायलट लोग, ना आपको पानी में कुदाएंगे ना कुछ कराएंगे, आपको सीधा बस ऐसे नाव चलाते हुए आपको पार करा देंगे। अगर आप वीडियो बनवाते हैं तो ये सारी एक्टिविटी ये लोग कराएंगे, पानी में कुदाएंगे, शोर मचवाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कराएंगे ये लोग एक्टिविटी। और अगर आप वीडियो नहीं बनवाते ये सब कुछ नहीं कराएंगे, तो प्लीज़ वीडियो जरूर बनवाइएगा, इतनी दूर जा रहे हैं आप पैसा खर्चा करके, तो वीडियो आप जरूर बनवाइए। ये बैक ये फॉरवर्ड चलाओ भैया, दो एक फॉरवर्ड, हाँ तेज चलाओ, स्टॉप, बोलो गंगे भैया की हर हर, एक पे भाई बारह के बैठो ना, अब मैम दिख नहीं रही है, चलो फिर गंगे मैया की हर हर, हिप हिप, चलो फिर वो फॉरवर्ड, टॉप टॉप भैया टॉप, पैर भैया पैर पैर लॉक करो, चलो भैया चलो, तुम अलग ले जाओ हमें माकी का सब, चला बाबू चला, स्टॉप 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 भाई स्टॉप, स्टॉप भाई को तो देख ऐसे मगन है चला रहे, ए भैया हमारा इंडिकेटर टूट गया, यही चाहिए भाई, ठीक है, चिली मिली धूम धड़ाका, चिली मिली धूम धड़ाका, हर 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 हर, पीछे हो जाओ आप भैया की, ये आ गया पानी, चलो स्टॉप, बोलो गंगे मैया की हर 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 हर, हे पे हे पे, हेलो भैया हेलो,
खड़े हो जाओ भाई, हमें भी सपोर्ट दो। देखो भाई देखो, बोलो गंगे मैया की भाई। अरे भाई बताया तुम अभी, ओ भाई हटाने दे रही स्पेयर मार रहा हूँ मैंने, खड़े हो जा भाई, इधर को कैसा लगा राफ्टिंग, मजा आया? बहुत बढ़िया मजा। एक बार बोलेंगे गंगा मैया की हर हर महादेव। इधर देखो भाई दोस्त, मजा आया राफ्टिंग में? बहुत मजा आया, मजा आया भाई। हेलो गाइस, कैसा लगा राफ्टिंग, मजा आया? बहुत। एक बार बोलेंगे लाउडली गंगा मैया की हर हर। बाय बाय, खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा, खड़े हो जा भाई, आराम। हेलो बाय करो दोस्तों, बाय दोस्तों, बाय बाय, बहुत मजा आता था। करो भाई बाय करो, बाय। तो गाइज आपने पूरा वीडियो देखा, हम लोगों ने राफ्टिंग का कितना अच्छा मजा लिया। अगर आप वीडियो बनवाएंगे तो ही आपको ये मज़ा मिलेगा, नहीं अगर वीडियो नहीं बनवाते हैं तो आपको सीधा ये चलाते हुए पैडल चलाते हुए आपको ले आएंगे, रैपिड बस दिखाएंगे बस। और शाम को आप इसी केस का लक्ष्मण झूला, पूरी बाज़ार, आप मार्केट घूम सकते हैं, बहुत अच्छा एरिया है यहाँ का घूमने लायक। तो गाइज आप देख सकते हैं कि हम लोग ऋषिकेश से रिवर राफ्टिंग करके हरिद्वार वापस आ चुके हैं, और हरिद्वार मेन रोड पर हम लोग उतर गए हैं हर की पौड़ी के पास, और यहां से फिर हम लोग पैदल चलते हुए हर की पौड़ी पर जाएंगे। और यहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहां पर हम लोग गंगा स्नान करेंगे, गंगा स्नान करके फिर हम लोग जाएंगे मनसा देवी जी के दर्शन करने, और मनसा देवी जी के दर्शन करके फिर हम लोग यहाँ का मार्केट घूमेंगे और रोपवे वगैरह सब दिखाएंगे आप लोगों को, और फिर यहाँ से हम लोग की शाम को 4 बजे की ट्रेन है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा हम लोग का। तो गाइस कैसा महसूस हो रहा आप लोग को? बहुत थका, शाम से थका। आधा आ गया यार, वो थोड़ा सा बचा। तो गाइस हम लोग मनसा देवी जी के दर्शन करने जा रहे हैं, और यहाँ पर सीढ़ियों से चढ़ के जाना होता है, और रोपवे भी चलता है, जिसको ज़्यादा जल्दी जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है वो रोपवे से जा सकता है। सीढ़ियों का रास्ता करीब आधे घंटे का है, बहुत आराम आराम से आना होता है, खड़ी सीढ़ियाँ हैं, आधे घंटे का रास्ता है। और यहाँ से मंदिर से दर्शन करके फिर आप चंडी देवी मंदिर दर्शन करने भी जा सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, जैसा लगा वैसा बताइएगा, पूरा रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा। Thank you.
दर्शन करके जीना चढ़ने के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत पैर दर्द दे रहा था। क्या मन कर रहा था जब जीना चढ़ रहे थे आप वहाँ? जब मन कर रहा था तो पैर बोल गई थी हमारी। हाँ, तो चढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, माता है, दर्शन तो करना ही पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब हाँ, कोई भी जा सकता है जीने से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपको सजेशन करेंगे कि झूले से जाएं? नहीं नहीं, झूले से एकदम ना जाए, क्योंकि माँ के दरबार जा रहे तो जीना ही से जाए। अच्छा, चल के जाए अपने पैरों से। अच्छा अच्छा, और नंगे पैर जाए। आपको कैसा महसूस हो रहा है जीना चढ़ के? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको जीना चढ़ के। हाँ, मतलब थकावट कैसी हो रही, पैर क्या कह रहे हैं आपके? भाई हमारे ग्रुप में है ऋषि, जो ऋषि ऋषिकेश घूमने आए थे, हम लोग हरिद्वार में हैं। ये मनसा देवी के दर्शन करने नहीं गए हैं। हाँ। इनसे हम पूछेंगे इनको कैसा हो गया, क्यों नहीं गए? आप बताएंगे क्यों नहीं गए आप मंदिर में दर्शन करने? दर्शन करने इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि हाँ। मेरे पर हम इतना भी घूमे हैं पर इतना नहीं घूमे पैर। हाँ। पैदल। हाँ। मेरे पैर थक से गए थे। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो फिलहाल बहुत ही कम है अभी। कितनी? मेरी उम्र है 17 साल। हाँ। अच्छा।